हेलो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलत एंट्री करता है या फिर टैक्स को चोरी करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर 1 अप्रैल 2020 से इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नई पेनल्टी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा सभी कमिश्नर को ये लेटर लिखी गई है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 270 तो उसके ऊपर पेनल्टी की प्रोविज़न इन्वोक करें, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में 1 अप्रैल 2020 से सेक्शन 271AA इंसर्ट किया गया है, जो कि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फॉल्स एंट्री करता है या किसी एंट्री को करने में ओमिशन करता है यानी या फिर एंट्री को डिलीट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, यानी कि जितने अमाउंट की गलत एंट्री की गई है उतने अमाउंट के इक्वलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर उस व्यक्ति के ऊपर भी पेनल्टी लगा सकता है जो कि ऐसी एंट्री को करने के लिए उकसाता है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में फॉल्स एंट्री का मतलब बताया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत, यानी कि यदि कोई व्यक्ति फॉर्ज्ड या फॉल्स डॉक्यूमेंट के बेस पे कोई एंट्री करता है या फिर बिना गुड्स या सर्विस को सप्लाई किए हुए या फिर रिसीव किए हुए इनवॉइस इशू करता है या फिर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से गुड्स या सर्विस लेता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। सीबीडीटी के द्वारा कहा गया है कि ये प्रोविज़न सभी केसेस में इन्वोक की जाएँ जहाँ पे भी ये प्रोविज़न अट्रैक्ट होती है। फ्रेंड्स, यह है सेक्शन 271AA इनकम टैक्स एक्ट का। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट के बेस पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा या फिर बिना गुड्स या सर्विस को सप्लाई किए हुए इनवॉइस इशू करेगा या बिना गुड्स या सर्विस रिसीव किए हुए इनवॉइस रिसीव करेगा तो उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जा सकती है, या फिर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से गुड्स या सर्विस लेगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26TaxSeal पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।